खाना ग्राउंड, उसके बगल में ये इस्लाम जिम खाना ग्राउंड जहाँ पे अभी फ्रेश पिचेस लगी है मानसून के बाद, उसके आगे आएगा पारसी जिम खाना। सोचो मरीन ड्राइव के एकदम बगल में ही इन्होंने लगा दिए हैं ताकि बॉल ना आ जाए बाहर, एंड प्राइम रियल एस्टेट जिसे कभी कोई टच नहीं कर सकता। यू जस्ट कैन नॉट, क्रिकेट है तो मुंबई है, मुंबई है तो क्रिकेट है। बिहारना गाड़ी ये देखो, एंड इसके आगे वानखेड़े एंड CCI एकदम बिल्डिंग से बीच में से वानखेड़े दिखता है। ये जो छतों पे आप लोगों को देखते हो, देयर फ्रॉम हियर दिस गेट नंबर 3 इसी रहा एक्चुअली हमारे मीडिया बॉक्स के पास ज़्यादा है। नहीं तो बहुत जल्दी है, दैट्स व्हाई यू डोंट सी अ लॉट ऑफ क्यूज, लेकिन लोगों का आना शुरू हो गया है। मैच शुरू होने पर बहुत टाइम है अभी, लेकिन पीपल हैव स्टार्टेड टू कम इन। That's where we enter from, Karware Clubhouse Pavilion ke bagal se. And that's the little master. All the more relevant today. Commentary with this photo. And that's how we get onto the ground. Chalo. Medical room. Yahan upar hai dressing rooms. Jahan pe Justin mana tha 2 tarikh ko. And I was just jumping with joy here. Hello, Ankhede. असल बसल शुरू हो चुकी है। I just reached and Trophy के साथ shoots have already begun. Biggie is here. इतना solid जुकाम हुआ है मेरे को कि ठीक है मार मार के I have to get out the show. So तने कर रहा है अभी हिंदी का show, मैं हिंदी कर रही इंग्लिश का show. इंडिया को कहा गया पहले बैटिंग करो, एंड मैं दूसरे एंड से बताऊंगा। जब उस दिन वो मैच हुआ था ना, एक्चुअली यही ड्रेसिंग रूम के नीचे मैंने 2 मेमोरेबिलियास कलेक्ट किए थे। एक रविचंद्रन अश्विन ने जो कैप डाली थी उनसे वो कैप मैंने ली थी, और श्रीलंका की पूरी टीम ने जो जर्सी, एक जर्सी मेरे को साइन करके दी थी। आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स अर्ली ऑन इन द श्रीलंकन टीम, उन सब ने मेरे को एक जर्सी दी थी। ये सब मेरे पास दिल्ली में पड़ा है मेरे पेरेंट्स के घर पे, एंड इट वाज जस्ट फिनोमिनल। आई विल शो यू कमेंट्री बॉक्स, जो उस टाइम कमेंट्री बॉक्स नहीं था, लेकिन कहाँ से मैंने मैच देखा था, मेरा भाई दिल्ली से आया था, उसके लिए पापा ने एक पता नहीं किससे पास जुगाड़ कराया और वो सुबह की फ्लाइट लेके आया। बट जस्ट सच अ ग्रेट मेमोरी यार, जो सारी भागती हुई आ गई आज। रंग देख के चाय दा रंग देख के अंखियां तो अंजुम हो गई। टीसी वर्ल्ड कप विनर 2011, सबसे पहले हु डिड यू स्पीक टू आफ्टर द वर्ल्ड कप, किसको फोन किया, क्या बोला? घर पे। किससे बात? घर पे फोन किया था, मम्मी ने उठाया था, तो मम्मी से बात हुई थी मेरी सबसे पहले, और उसके बाद मैं कहा पापा से करा दो, कहती है वो पार्टी करने निकल गए। And your most amazing memory of the dressing room और उसके बाद after party? After party तो ऐसे कुछ खास ध्यान नहीं, क्योंकि पता है मैं जो टी शर्ट पहनी थी उसी टी शर्ट में था, वो मेडल भी रात को पहन के सोया था, और जब यहाँ पे वो शैम्पेन उड़ती है ना, मैं पीता नहीं हूँ पर मैं नशे में था। क्योंकि वो एक अलग ही माहौल था, और मेमोरी देखिए छक्का तो हर कोई बात करता है, लेकिन मैं और अश्विन बैठे हुए थे जब सीढ़ी पे, तो हम लोग ना डिस्कस कर रहे थे यार ये वर्ल्ड कप अभी हम जीतने की कगार पे, और ये जीतेंगे तो इसके बाद लाइफ कैसी होगी, बिल्कुल एक अलग, और वो अलग है मतलब एक फील ही अलग है वो, और 2 मेडल है मेरे पास वैसे। हम वानखेड़े ना वो प्रेसिडेंट्स बॉक्स से हम ब्रॉडकास्ट एंट्री करते हैं, यू जस्ट लुक ऑन द राइट एंड यू सी योर पिक्चर ओवर देयर, कैसे लगता है? यू वॉक इनटू द स्टेडियम एंड यू लुक द सेम एंड यू लुक द सेम यस मैं
Where is this fountain of youth मतलब coming कहना क्या क्या चाह रहे हो कि मैं तब भी चबी था अब भी चबी कॉन्वर्सेशन को ज्यादा चबी नहीं देना चाहता हूँ और बाकी फिर नहीं देखिए बहुत ही ना एक अलग ही फीलिंग है और सबसे बड़ी चीज ना सिर्फ वानखेड़े किसी भी स्टेडियम में जाओ अभी मैं रांची में था वहाँ भी वो एक थी उसमें कैसे फोटो थी मैं ऐसे ना कुछ किसी से बात कर रहा हूँ तो मैंने सोचा मैं इसे क्या कह रहा हूँ कि मैं इसे समझा रहा हूँ या मैं इसे डांट रहा हूँ कि चुपचाप बेटर है वो फोटो में तो वो एक अलग ही फील है मतलब उसके लिए शब्द बने ही नहीं है कि उसे कैसे बताऊं अपनी आवाज भी नहीं है भाई क्या वर्ड्स यार व्हाट वेयर वर यू बिकॉज आई वाज हियर यहाँ ब्रॉडकास्ट एरिया वहाँ से शॉट कोड़ते हुए देखा वेयर वर यू आई वाज एक्चुअली एट होम आई फिनिश्ड माय असाइनमेंट फॉर द वर्ल्ड कप एंड दैट्स द फर्स्ट वन वी वर्कड ऑन टुगेदर 20 डीडी जी वेयर वर यू 2011 फाइव स्टैंड्स वाज समवेयर पता है ये रूम एक्चुअली उस टाइम हिंदी कमेंट्री नहीं थी सो दिस वाज द कमेंट्री ओवरफ्लो एरिया ये रूम कमेंट्री ओवरफ्लो एरिया था दैट वाज वर्ल्ड फेट सूर्य ने मार दिया भाई बड़ा चौका सो ये कमेंट्री ओवरफ्लो एरिया आई स्मगल्ड माय ब्रदर इन उसका टिकट दिया स्मगल्ड में हमने यहाँ बैठ के एंड रसेल आर्नोल्ड वाज आल्सो विद अस तो यहाँ से हमने बहुत सारा मैच देखा था कमेंट्री बॉक्स नहीं था जो अभी वर्ल्ड फीड जो अभी वर्ल्ड फीड हां हिंदी नहीं था उसका और वर्ल्ड फीड की कमेंट्री वर्ल्ड फीड वहीं से था वर्ल्ड फीड अच्छा वही दिल्ली की था ना हिंदी वाज हैपनिंग फ्रॉम द नोएडा स्टूडियो व्हाट मेमोरीज हियर इज द टर्मिनेटर मंजुबा हां जी द मोमेंट दैट हैपेंड इमीडिएटली अगर कुछ याद आता है एकदम से सिंकिंग भी हुआ या उस टाइम की चीज कौन सा वर्ल्ड कप का और उसकी तो यार मेमोरी पूरी जबरदस्त मेमोरी है मतलब दिल ना ऐसे बाहर आया था कि यार हो गया वो सपना पूरा हो जिसके लिए भागे फिरते थे इतने सालों से जद्दोजहद लगी हुई थी यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ की ये ट्रॉफी कभी हमारे किस्मत में होगी या नहीं और जिस दिन वो हुई तो वो मन भर सा गया था पता नहीं अजीब सी फीलिंग बट बहुत मजेदार फीलिंग जब सारे वापस ड्रेसिंग रूम में गए इंटरव्यूज करके ट्रॉफी उठा के शैंपेन उड़ा के क्या हुआ था कोई बैठे थे सारे मतलब ड्रेसिंग रूम में समवन स्पीक ना किसी ने बात नहीं करी शोर बहुत मचाया बड़का बज रही थी और सब फोटोग्राफ ले रहे थे बेसिकली सारे बिजी थे कि ट्रॉफी क्योंकि ड्रेसिंग रूम में थी और एवरीबॉडी वाज लाइक यू नो जंपिंग ऑन ईच अदर एंड टेकिंग पिक्चर्स पर शुगर लग रहा था अच्छा उसके बाद किसने आपको बताया था कि पाजी को कभी ऐसे डांस करते हुए नहीं देखा था आफ्टर हाँ वो हुआ लेकिन जब होटल में गए होटल में हाँ क्योंकि हमारे सबके यहाँ पे फैमिलीज वाइफ गर्लफ्रेंड सबके आ रखे थे तो देन दे ऑल केम इन आर टीम बस ओनली यहाँ से फिर नहीं तो वैसे वो पहुँच ही नहीं पाते तो देखो हमने बस रुकवा के रखी थी सबके लिए तो आप कहते हो आप हमारे लिए करते क्या हो भाई आसान है वर्ल्ड कप जीते थे वर्ल्ड कप की जीत वाली बस में लेके गए हैं आप सबको तो वहाँ गए वहाँ फिर पाजी और अंजलि भाभी दे वर डांसिंग टुगेदर ऑन डार्लिंग आंखों से चार करने तो बड़ा मजेदार वो पल थे क्योंकि पाजी को ऐसे इतना खुश कभी नहीं देखा था और टू सी हिम डांसिंग वाज लाइक वाओ यार आपने किसको फोन किया हाँ जी आपने किसको फोन किया आपके साथ हु डिड यू शेयर मैं तो अपने घर पे बात करी मेरी मदर से मेरी सिस्टर से क्या कहूँ दे वर ऑल वेरी हैप्पी आई कुडंट टॉक मच बिकॉज घर पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे ढोल बज रहे थे पीछे और वो भी कुछ ज़्यादा बात नहीं कर पाए बट बधाइयाँ बधाइयाँ भाई बधाइयाँ बधाइयाँ मैं क्या मुंडा हो गया नहीं वर्ल्ड कप हो गया वर्ल्ड कप हो गया लास्ट वन फिर अगले दिन जब एमएस धोनी अपने मुंडन करके आए नहीं अगले दिन नहीं रात को मुंडन किए रात को हम बैठे हुए रूम में एंड ट्रॉफी गोद में थी तो ट्रॉफी को लेके बैठे हुए तो सडनली एमएस धोनी यहाँ बाथरूम गया अपने कमरे से वापस आया तो बंदा बिल्कुल ही वो सो ही केम बैक टू द गैदरिंग गैदरिंग होने के बाद वी वर जस्ट सिटिंग इन आवर रूम ये 3:30 बजे की बात होगी सुबह की 3:30 बजे की बात होगी तो रूम में बैठे हुए और बातें चल रही हैं और सडनली धोनी गोज टू द बाथरूम एंड देन कम बैक बाली नहीं हम देख रहे लंबे बाल और ये क्या हुआ एंड साक्षी वाज लाइक ऑलमोस्ट इन टीयर्स बाल कहाँ गए भाई खुद ही खुद ही काटे खुद ही खुद ही खुद ही बट शायद मुझे लगता है कोई मन्नत होगी कुछ नो ही डिडंट से ही यू नो वेरी क्वाइट ही कीप्स थिंग्स टू हिमसेल्फ तो वी आस्क्ड हिम कि वो ये क्या किया सूर्य का विकेट जमा है
अगले दिन मैं देखूं जब बस में चढ़ रहे थे ना जाना था हमने गवर्नर हाउस गए थे यहाँ पे बुलाया हुआ था पूरी टीम को मैं कहा यार गंजा बंदा कौन जा रहा है क्योंकि भूल ही गए यार धोनी ने बाल बाल काटे थे बस ऐसे घूम के देखो मैं कहूँ यार तू तो बाल काट दिए थे मुझे तो याद ही नहीं था तो सडनली वो क्योंकि लंबे बालों में हमेशा देखा है देन सडनली आप देखते हो कि यार बंदा कौन है यार कोई सिक्योरिटी वाला इतना तगड़ा बंदा पीछे देखो पिठ तगड़ी ये बंदा कौन है पता लगा धोनी धोनी ने बाल उड़ा डिफरेंट लुक एकदम थैंक यू सारे फैंस की तरफ से थैंक यू एक और हो जाए इस बार चलो मटियो लगे रहो Baji and Muthaiya Muralidharan, 2011, mein aamne saamne. Today also as UNICEF ambassadors, One Day for Children, excellent initiative. Jo ye bade tournaments ki responsibility hoti hai, you know, how do you do some things jo ki are good for the society. So this is an excellent initiative. Samantai, equal opportunities for studies and sports for kids. So there is. जहाँ से ब्लॉग शुरू किया था वहीं पे खत्म कर रहे हैं घर जल्दी आ गए हैं विच मीन्स इट्स गोइंग टू बी अ नाइस लिटिल इवनिंग थोड़ी सूप के साथ बीवी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे अभी आई बार और कल मेरी छुट्टी है दैट इज अमेजिंग लेकिन छुट्टी से ज्यादा कैसे हम बाकी टीम्स की छुट्टी कर रहे हैं दैट इज देयर टू बी सीन मोहम्मद शमी सर्टिफाइड वर्ल्ड कप लेजेंड मोहम्मद सिराज जसप्रीत बुमराह आई थिंक श्रीलंका का ऑलमोस्ट एक मेंटल ब्लॉक आ गया उस एशिया कप के बाद एक बार फिर से मतलब ऑलमोस्ट वो एशिया कप क्या ये बहुत बड़ी क्रिकेट की फैन है यार लेकिन थोड़ी सी खुशी है कि मैं घर पे टाइम पे आ गया हूँ ताकि जितने घर की जिम्मेदारियां मैं उठा नहीं रहा उन सब की मेरे को लिस्ट दी जाएगी इसके पहले कि मैं चुपचाप आके कमरे में सो जाऊं सो ये वो शैतान वाली हंसी है ये वैसी मतलब यू नो इविल लाफ्टर जिसे बोलते हैं जैसे कि इंडियन बॉलर्स इस टाइम पे हंस रहे हैं बट टच वुड यार मैं हर ब्लॉग में ये बोलते आ रहा हूँ कि बस नजर ना लगे इस परफॉर्मेंस को बिकॉज फ्रॉम हियर ऑन जैसे टीम खेल रही है इट्स नॉट गोइंग टू बी अबाउट परफॉर्मेंसेस इफ एट ऑल इट्स गोइंग टू बी अबाउट हैंडलिंग प्रेशर लेकिन वो डिपार्टमेंट भी इज लुकिंग टच वुड Fantastic. So brilliant day for Team India. बहुत मजा आया 2011 की कुछ यादें ताजा करी एक थोड़ी सी गलती हो गई थी यार वो मोहम्मद शमी का सेलिब्रेशन वी थॉट इट्स फॉर हरभजन सिंह क्योंकि हम मैच से पहले साथ में बात कर रहे थे बट इट वॉज फॉर पारस महामरे एंड ब्रिलियंट मैन शमी सिराज बुमराह खौफ है बॉस फास्ट बॉलर्स का खौफ है अभी दो और मैचेस हैं देन द सेमी जो भी शायद वानखेड़े खेलेंगे सो मैच चला क्या करना है मेरे को कल कारपेंटर को बुलाना है या प्लम्बर को सुबह बेटी को स्टॉप पे छोड़ना है 7 बजे अच्छा गुड नाइट इसे ब्लॉग के लिए बोला है